हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को सरोजनगर मार्केट का न्यू कलेक्शन दिखाने के लिए। तो देखते हैं आज मार्केट में क्या क्या कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बोलूंगी, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड पहले के वीडियोज नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए आके। यहाँ पे ना एक्सपोर्ट लेन में ये एक मॉर्निंग का शोरूम हुआ करता था, वो शोरूम तो बंद हो गया, बट यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स खुल गई हैं। तो यहीं पे ना बेसमेंट में एक शॉप थी, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा कलेक्शन था टॉप का। तो यहाँ पर ना टॉप की स्टार्टिंग जो थी वो 200 रुपीज से थी, और 350 तक की रेंज में बहुत सारे टॉप्स मिल रहे थे। यहाँ पे ना टॉप की वैरायटी बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे चिकनकारी टाइप टॉप्स भी आप लोग को मिल जाएंगे। क्रॉप टॉप भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर थोड़े से लॉन्ग टॉप पहनना पसंद करते हैं तो उस टाइप के भी टॉप्स मिल जाएंगे। टॉप्स के अलावा इनके पास में ना ड्रेसेस का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। इनके पास मिड लेंथ, फुल लेंथ सभी टाइप की ड्रेसेस अवेलेबल थी। ड्रेसेस की अगर प्राइस की बात करें तो 500 टू 800 रुपीस की रेंज में इनके पास में ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा इस वाले शॉप पे ना नाइट सूट का भी काफी अच्छा कलेक्शन था। इसके अलावा मार्केट में आपको 100 रुपीज की रेंज में इस टाइप की बहुत ही प्यारी प्यारी सी टीस मिल जाएंगी, मिक्की माउस वाली, ग्राफिक वाली, एंड बहुत ही सुंदर सुंदर सी टीस का कलेक्शन मिल जाएगा। क्रॉप वालों के लिए ज्यादा ही फायदा है यहाँ पे। क्रॉप टीस का तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था यार, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी टी शर्ट थी केवल और केवल 100 रुपीज में। इसके अलावा कुछ अच्छी क्वालिटीज में आप ओवर साइज टी शर्ट चाहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, तो दोनों की ही मिलेंगी आपको इस वाली शॉप पे। शॉप नंबर था 114। यहाँ पे ना 200 रुपीज में सेल थी टी शर्ट्स की, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट थी। यहाँ पे आपको सारे ही साइजेस में टी शर्ट्स मिल जाएंगी। नाउ आई एम इन बिग सी वाली लेन। इस वाली लेन में ना बैग की बहुत सारी शॉप्स हैं, और इस वाली लेन में भी बहुत भीड़ रहती है अच्छी खासी। एक्चुअली मैं हमेशा संडे जाती हूँ, तो संडे मुझे हमेशा रश बहुत ज्यादा मिलता है, बट आप ना वीक डेज पे जाइएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिग सी लेन में भी मुझे मिला 100 रुपए की टी शर्ट वाला। यहाँ पे ना व्हाइट कलर की टी शर्ट का बहुत प्यारा कलेक्शन था, व्हाइट थी, ब्लैक थी, एंड एक और ब्लू कलर समथिंग कुछ थी। ज्यादा कलर ऑप्शन तो नहीं थे, बट व्हाइट कलर में बहुत सारे ऑप्शन थे, केवल और केवल 100 रुपीज की रेंज में थे। यहाँ से मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट ली, लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट ली 100 रुपीज की। बहुत ही अच्छी टी शर्ट की क्वालिटी थी यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था ना टी शर्ट का, ये शॉप नंबर थी 115, मतलब 115। और यहाँ पे ना अंदर शॉप के अंदर, और ये 200 रुपीज की टी शर्ट का कलेक्शन था। ये टी शर्ट भी बहुत ही अच्छी थी, जैसे कि बाहर वाली ना एवरेज थी, अंदर वाली वाओ थी, बहुत ज्यादा वाओ। बट डेली यूज के लिए मुझे बाहर वाला का कलेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दो वहां से परचेज कर ली। एंड अंदर में जो कलेक्शन था उनमें कलर ऑप्शन बहुत सारे थे, क्रॉप टी शर्ट्स भी थी काफी सारी, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं।
उस वाले शॉप का जो नंबर था 117 था। और शॉप के बाहर ना 200 रुपीज के ये जीन्स की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे एक रिंग था भैया, 200 रुपीज की जीन्स बेच रहे थे। इसमें काफी सारे जीन्स थे, बट यहाँ पे लेने से पहले आपको साइज बहुत अच्छी तरीके से चेक करना होगा, जिससे कि आपको टाइट या ढीली ना हो। इसके अलावा मार्केट में आपको इस टाइप के 30 रुपीज के इयररिंग्स के ये इस टाइप के रिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 30 रुपीज के आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हूप्स मिलेंगे, इस टाइप के स्टड मिलेंगे, कुछ ये नग वाले एंड इस टाइप के थोड़े से चमकीले धमकीले से वेयरिंग्स मिल जाएंगे, पार्टी वेयर टाइप, तो वो भी आप ले सकते हैं 30 रुपीज की रेंज में। यहाँ पे ना पास में ना 50 रुपीज का भी एक स्टॉल था, जिसमें ना सिल्वर ऑक्सीडाइज इयररिंग्स थे। ये भी बहुत ही प्रिटी प्रिटी से थे। इसमें कुछ 30 वाले भी थे, कुछ 50 वाले भी थे, बड़े बड़े से झुमके भी थे, छोटी छोटी सी झुमकियां भी थी। इस टाइप के काफी सारे इयररिंग्स का कलेक्शन आप लोगों को यह मिल जाएगा। तो अगर लड़कों के लिए ब्रांडेड टी शर्ट लेनी है तो लड़के भी यहाँ पे ब्रांडेड टी शर्ट ले सकते हैं। बिक्सी लेन में ये वाली शॉप थी और उसके बाहर ना भैया ने स्टॉल लगा रखा था। यहाँ पे ना H&M की और भी काफी सारी ब्रांड की टी शर्ट थी लड़कों की। ये थी राउंड नेक की, 200 रुपीज की थी टी शर्ट। इस टाइम मार्केट में आपको ज्यादा कुछ टॉप का लेटेस्ट कलेक्शन तो नहीं मिलेगा, जो पहले चल रहे थे उस टाइप के ही टॉप से, तो आपको इस टाइप के टॉप्स देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये 200-300 रुपीज की रेंज में थे। ये थे क्रॉप लेंथ तक के, कुछ जॉर्जेट के थे, कुछ सीफोन के थे, कुछ इस टाइप के फैशनेबल क्रेप के फैब्रिक में थे, जो ऊपर लगे हुए हैं। सारे टॉप देख पा रहे होंगे। ये शॉप के अंदर ना 250 रुपीज में सेल लगी हुई थी। इसमें इस टाइप के खूब सारे टी शर्ट थे जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। ज्यादातर साइजेस मुझे लग रहे थे मीडियम लेंथ तक के, मीडियम तक के थे, लार्ज के भी मिल जाएंगे कुछ कुछ में। इस टाइप के क्रॉप वाले टॉप ज्यादा थे यहाँ पे एंड कुछ कुछ लॉन्ग वाले भी टॉप थे यहाँ पे, 250 रुपीज की रेंज में ही थे। कुछ कुछ टॉप जो थे वो 350 रुपीज की रेंज में भी थे इनके पास में, बट 250 और 350 रुपीज में ही इनके पास में सेल थी। हेलो गाइस, यहाँ पे आपको इस टाइप की फ्रॉक्स मतलब ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, रंग बिरंगी फूलों वाली, ये फ्लोरल प्रिंट वाली बहुत सारी ड्रेसेस थी यहाँ पे। ऐसे कोई ट्रेंडी तो नहीं थी, ना ही आजकल ट्रेंड में है, ये बहुत पहले चलती थी उस टाइप की ड्रेसेस हैं। और मार्केट में कई जगह आपको इस टाइप की ड्रेसेस मिलेंगी जो 500 to 650-700 तक की रेंज में आपको मिल जाती है। और इस वाली शॉप पे ना नाइट सूट भी थे और ये शॉर्ट्स वाले लॉन्ग वाले दोनों ही टाइप के थे। 400 to 600 रुपीज की रेंज में आपको इस टाइप के नाइट सूट मिल जाएंगे, तो गाइस ये आप यहाँ से नाइट सूट भी परचेज कर सकते हैं।
इस टाइप के दुपट्टे भी मिल रहे थे जिसमें इस टाइप के कुछ सिल्क टाइप के थे, कुछ कॉटन टाइप के थे, तो आप दुपट्टे भी ले सकते हैं। अगर बॉयज अपने ऑफिस के लिए, मतलब जो मेंस ऑफिस के लिए कॉलवर टी शर्ट चाहते हैं कुछ अच्छे फैब्रिक में, तो यहाँ पे आपको इस टाइप की टी शर्ट मिल जाएंगी। एक शॉप थी उसके बगल में भैया लगाते हैं टी शर्ट्स, इनके पास 300, 250, 350 तक की टी शर्ट होती, बहुत अच्छा निकलता है इनके पास फैब्रिक। इनके पास राउंड नेक, कॉलर नेक, उस दोनों टाइप की टी शर्ट मिल जाती है आपको, तो आप यहाँ से टी शर्ट्स ले सकते हैं। तो गाइस मैं एक्सपोर्ट लेन में ही थी, यहाँ पे एक बड़ी गुफा फेमस है कि इस गुफा में काफी सारी शॉप है, तो मैं आ गई गुफा लेन में। वैसे यहाँ वीडियो कम बनाने देते हैं, बट घुस गए हैं, देखते हैं कुछ लोग बनाने देंगे तो बना लेंगे, नहीं बनाने देंगे तो भाग आएंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कलेक्शन मिलता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ की तारीफ करते हैं। गुफा में एंटर करते ही मुझे ये एक शॉप मिली जहाँ पे स्कर्ट्स मिल रही थी। भैया ने बताया कि 300 रुपीज से इनके पास स्टार्टिंग होती है स्कर्ट्स। इनके पास में ड्रेसेस थे एंड और भी टॉप्स वगैरह का कलेक्शन था, बाकी ये लोग बार्गेन करते हैं तो आप बार्गेन कर सकते हैं आराम से। तो इन वाले भैया के पास में ना ड्रेसेस भी बहुत सारी थी, स्कर्ट वाले सूट थे, बट भैया ने प्राइस बताना जब शुरू किया तब तो मेरा दिमाग ही घूम गया। 1450, 750, मतलब ऐसे प्राइस बताए तो ऐसा लग रहा था मैं किसी शोरूम में आ गई हूँ। भाई सरोजनी ही है ये। भैया ने यहाँ पे मुझे कुछ टॉप दिखाने स्टार्ट किए, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट टॉप दिखाया, ये ग्रीन वाला टॉप दिखाया, इनके प्राइस भैया ने 650 रुपए, 700 रुपए बताए प्राइस, तो भैया ऐसे बता रहे थे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कौन सी दुकान पे आ गई हूँ, बट ये बार्गेन करते हो ये भी बोलते जा रहे थे कम कर देंगे कम कर देंगे, तो आप लोग कम भी करवा लेना अगर जाना तो। तो इस गुफा के अंदर मुझे यही वाली शॉप दिखी जहाँ भैया ने अच्छे से वीडियो बनाया, बाकी तो कुर्ते उड़ते मिल रहे थे, एक्सपोर्ट वाला ही सारा कलेक्शन था, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं दिखा। तो अभी हम आ चुके हैं इस गुफा से बाहर, गुफा के अंदर ऐसी कोई शांति नहीं मिली मुझे, तो बाहर देखते हैं क्या ही कलेक्शन और मिलता है मुझे मार्केट में। तो यहीं पे गुफा के सामने ही भैया ने इस टाइप के बॉयज़ के ये पजामे और शॉर्ट्स लगा रखे थे, ये 200 रुपीज की रेंज में थे, जिसमें कॉटन के भी थे, होजरी के भी थे, कुछ कुछ 150 रुपीज के भी थे। यहाँ पे मुझे ना इस टाइप के थैले भी दिखे जो कि 150 रुपए के भैया ने बताए, और ये थैले बड़े सुंदर लग रहे थे, ये अच्छे लगते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं, बट 150 रुपए का कुछ महंगा लग रहा है ना। गर्मियां बहुत आ चुकी हैं और लड़कियों को गर्मियों में बिना शॉर्ट्स के तो काम चलता ही नहीं है, तो सरोज नगर मार्केट में कहीं भी मत लेना शॉर्ट्स, ले आना यहाँ पे गेट नंबर 5 के पास में आपको ये स्टॉल मिलेगा। 50 रुपीज की सेल में आपको भरपूर शॉर्ट्स मिल जाएंगे जो कि आप आराम से महीने दो महीने पहनो फिर बदल के दूसरे ले आओ। तो यहाँ से मैंने 4 जोड़ी शॉर्ट्स खरीदे, 2 अपने लिए 2 अपनी बेटी के लिए, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट्स थे यहाँ पे, तो आप भी ले सकते हैं। इसके पास में एक और स्टॉल था, यहाँ पे क्यूलॉट्स मिल रहे थे 200 रुपीज के, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, कॉटन के फैब्रिक में थे, कुछ कुछ डेनिम्स के भी थे, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे, 200 रुपीज में थे, समर में स्टाइल करने के लिए डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। यहीं पे ये एक शॉप
सर्विस गारमेंट के नाम से इस वाले शॉप पे भी काफी अच्छा कलेक्शन रहता है, मतलब जो भी ट्रेंडी चीजें चल रही होती हैं उन सभी चीजों का कलेक्शन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात कि प्राइस रेट सभी पे लिखे होते हैं, तो आपको ज्यादा बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइस रेट लिखे हुए तो आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। और जो मैंने शॉर्ट्स वाली दुकान स्टॉल दिखाया था, वो क्यूलॉट्स वाला दिखाया था, वो सब इसी के सामने ही लगता है, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके। की रेंज में ही सारे टॉप थे, ज्यादा टॉप जो थे वो 300 तक की रेंज में ही थे, इससे महंगे कोई भी टॉप नहीं थे। ड्रेसेस का भी कलेक्शन था इनके पास में, जो 500, 600, 700 रुपीस तक की रेंज में थी। ऐसा कोई न्यू लेटेस्ट कलेक्शन नहीं था, जो सभी के पास है वो इनके पास है, और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ट्रेंडी था। इस वाली शॉप का जो नंबर था 137 था। बिना आपको ये जारा के ड्यूप्स मिल जाएंगे, जारा के ड्यूप्स तो आजकल ऐसे कॉमन हो रहे हैं जैसे ना नॉर्मल चीजें मिल रही हो, तो यहाँ पे भी कलर सेम थे इस टाइप के ना, कॉट सेट थे, टॉप्स थे, एंड ये क्रोशिया वाले टॉप्स भी इनके पास में थे, टाइप की क्रोशिया वाली ड्रेसेस भी इनके पास में थी। ये ड्रेसेस मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, कलर ऑप्शन भी इनके पास थे इसमें, ग्रीन, पर्पल, पिंक, व्हाइट, बहुत ही अच्छी लग रही थी ड्रेस ये। और ये क्रोशिया वाला टॉप और क्रोशिया वाला ब्रालेट और स्ट्रक के साथ में था, 1500 रुपए का था गाइस ये, जिसमें ये ना स्ट्रक भी थी और ये ब्रालेट थी इसके साथ में, 1500 रुपए इन्होंने इसका प्राइस लिख रखा था। सभी चीजों के प्राइसेस जो थे वो ऐसे ही थे, जारा वाली ड्रेसेस जो वगैरह दे रहे थे वो भी 800 से 1200 1300 कुछ तक की रेंज में थी यहाँ पे। और ये ड्रेसेस भी ना काफी दिन पहले चली थी, मैंने कमला नगर राजौरी में देखी थी, बट अब ये सरोजनी में भी काफी ज्यादा आ चुकी है। इसमें ये चार कलर अवेलेबल थे जो की बंदेज टाइप के प्रिंट में थी, और 1200 रुपए इन्होंने इसका प्राइस लिख रखा था। ये इसमें भी ये कॉटन के फैब्रिक में थी, ये भी काफी अच्छी ड्रेस है, बट इन्होंने इसका प्राइस 1200 रुपए लिख रखा है। कॉट सेट ये 1200 से 1300 की रेंज में थी, व्हाइट कलर का जो आपने भी ऊपर देखा हुआ है, ये जो एक लेवेंडर से और व्हाइट कलर के इसमें ये सूट सेट था, मतलब ये ब्लेजर टाइप का था और ये सेट था, ये 1500 तक की रेंज का था। और इस टाइप के काफी अच्छे ब्रांड्स के डूब्स थे एंड ग्राफिक वाले शर्ट थे, इन सभी चीजों का काफी अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप। इसके बाद आगे हम सब्जी मंडी लेन, ये है शॉप नंबर 126। यहाँ पे भी ना टॉप एंड ड्रेसेस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है, ब्रांड्स नहीं होते बट डिजाइनर कलेक्शन होते हैं इनके पास में भी टॉप एंड ड्रेसेस के, तो इनके यहाँ पे भी ना प्राइस टैग लगे रहते हैं सारी ही टॉप एंड ड्रेसेस पे, तो आपको ज्यादा बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे ना क्रॉप टॉप का बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, तो आप क्रॉप टॉप वगैरह जो है वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्टेप को ऑर्गेंजा वाले टॉप जो आजकल नूडल स्ट्रिप में चल रहे वो भी इनके पास में थे, वो 250 रुपीज के थे, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड इस टाइप के कोरियन टॉप भी आपको 200-350 रुपीज की रेंज में इनके पास में मिल जाएंगे। कलर की बात करूँ तो आपको बहुत अच्छे अच्छे समरी कलर मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड ये समर्स के लिए ना बहुत ही अच्छे टॉप थे, फैब्रिक क्वालिटी इनका बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट वाला था, एंड लुक इनका जो था वो कोरियन वाला था।
क्रॉप शर्ट्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे शर्ट्स के प्राइस जो थे वो भी 250 to 300 रुपीस की रेंज में आपको मिल जाएंगे। टाइप के कॉट सेट का भी कलेक्शन के पास था जो कि 800 to 1000 की रेंज में थे। इसमें तो वो थोड़ा बहुत बार्गेन कर देते हैं। इस वाली शॉप पे आपको ड्रेसेस का भी कलेक्शन मिल जाएगा। ड्रेसेस जो स्टार्ट होती हैं 550 से लेके आपको 900 तक की रेंज में आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी। इसमें ना कलेक्शन अपडेट होता रहता है, पर वीक आपको जो कलेक्शन है वो अपडेट होके मिलेगा। इस टाइप के आपको जम्प सूट भी मिल जाएंगे। इनके प्राइस रेंज जो थे 550 टू 800 के अराउंड थे। टाइप के कुछ फैशनेबल ड्रेसेस भी इनके पास में मिल जाएंगी 500 टू 850 के अराउंड। तो डेफिनेटली आप ये वाली शॉप चेक कर सकते हैं, सरोजनगर मार्केट में, सब्जी मंडी लेन, शॉप नंबर 126। इसी शॉप के ना अपोजिट साइड में ना यहाँ पे सूट्स का कलेक्शन है। यहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स के जो है डुप्स भी मिल जाते हैं सूट्स के यहाँ पे, और इनके प्राइस जो स्टार्ट होते हैं ये जो बाहर लगे होते हैं सेल में 250 रुपीज की रेंज में होते हैं, 300 रुपीज की रेंज में होते हैं, बट ये यहाँ पे जो आप शोकेस में देख रहे हैं ये 500 700 1200 तक की रेंज में आपको यहाँ पे सूट जो है वो मिल जाएंगे। सब्जी मंडी लेन में ही आपको 300 रुपीस में कुर्ती और पैंट के सेट्स पे मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। कॉटन के फैब्रिक के होते हैं, दुपट्टे नहीं मिलेंगे इनके साथ में, आप लोगों को कुर्ती और प्लाजो के ही सेट्स मिलेंगे। शॉप थी एलिजा और ये है सब्जी मंडी लेन में। इस वाली शॉप के अंदर भी काफी अच्छा टॉप का कलेक्शन था, मतलब आजकल जो ट्रेंडी टॉप्स चल रहे हैं उस टाइप के सारे टॉप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 200 रुपीज से स्टार्टिंग थी टॉप की। यहाँ पे भी आपको रिब्ड फैब्रिक में काफी सारे क्रॉप टॉप का कलेक्शन मिलेगा। समरी मैट कलर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे ना, लाइक ये पीच कलर, लाइट ग्रीन कलर एंड और इस टाइप के कलर्स देखने को मिलेंगे। इस वाली शॉप पे भी ना प्राइस टैग लगे हुए थे, तो ज्यादा बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से खरीद सकते हैं। ₹350 की रेंज में यहाँ पे लॉन्ग शर्ट स्टाइल टॉप्स भी अवेलेबल थे। ₹300 की रेंज में इनके पास में थोड़े से लॉन्ग वाले टॉप थे, जो कि जो लोग क्रॉप टॉप लेना नहीं पसंद करते, तो उन्हें सरोजनगर मार्केट में इस टाइप के लॉन्ग टॉप्स भी 300 to 350 रुपीज की रेंज में मिल जाएं। यहाँ पे कॉट सेट भी थे जो कि 550 रुपीज की रेंज में थे, 450 रुपीज की रेंज में भी थे। ग्राफिक टीस आपको 300 तक की रेंज में मिल जाएंगी। यहाँ पे लड़कों के लिए भी इस वाली शॉप पे टी शर्ट थी, कॉलर में ले लो या प्लेन नॉर्मल ऐसे राउंड नेक के ले लो, 250 to 350 रुपीज की रेंज में यहाँ पे टी शर्ट थी। साइजेस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ना फॉर्मल शर्ट्स का भी काफी ज्यादा कलेक्शन था, 350 रुपीज में शर्ट्स थी। We'll be right back.
चेकर्ड सेट भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगी 350 रुपीज की रेंज में। शर्ट्स का कलेक्शन काफी अच्छा था, कलर ऑप्शन भी बहुत सारे थे, तो बॉयज आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। शॉप नेम था एलिजा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे और भी अच्छे अच्छे से वीडियो लेके आऊंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। वैसे आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो।